तुम्हारे दिल में अगर मेरे लिए थोड़ी सी भी इज्जत है ना तो आज अपने दोस्त को मुंह तोड़ जवाब दो, नहीं तो मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। देखो खबरदार, इसका मुंह तोड़ा, ये जुड़ा हुआ इतना गंदा लगता है, तोड़ देगी तो क्या लगेगा। आपको पता है जब ये पैदा हुआ ना, हाँ सब बताओ बताओ, हाँ कोई बोलेगा नहीं मैं पैदा होने वाला हूँ, कोई बोलेगा नहीं, चलो करो पैदा, मुझे काटो फटाफट करो करो। अच्छा मुझे आज तक समझ में नहीं आया इसमें इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है। ये जब पैदा हुआ ना, हाँ हाँ मैं पैदा हुआ, फिर बधाई मांगने वाले आए, फिर मैं पैदा हुआ, फिर अगर ये मैं करना शुरू कर दिया ना फिर देख ली, ये आए जैसे ही पहुंचे ना सेम टाइम पे मुर्गी ने अंडा दे दिया, तो बधाई मांगने वाले इनका मुंह देखा, वो मुर्गी के पास चले गए, कहते आप ही दे दो, उनके तो कुछ खास हुआ नहीं। वेरी गुड, बहुत काम खराब है पाजी। पाजी जब ये पैदा हुआ इनके घर वाले मुर्गी के पास चले गए, कहते मुर्गी बहन जी इससे पहले कि बधाई मांगने वाले आ जाएं आप अपने अंडे के साथ हमारा बच्चा एक्सचेंज कर लेंगी। मुर्गी ने चोंच मार मार कर बताया, झूठ बोल रहा है, ऐसे कभी होता है। आपको पता है जिस डॉक्टर ने इसकी डिलीवरी कराई उसने अपने दोनों हाथ कटवा दिए, क्यों? चला गया युगांडा चला गया, कहता यार मैंने नहीं ये पाप लेना अपने सर पे। जिस दिन पैदा हुआ पूरा दिन पंजाब में बारिश हुई, भगवान को पता था इसको धोने में पानी नहीं कम पड़ना चाहिए, ये हुआ इसका हालात। जब ये पैदा हुआ पैदा होते ही ये न्यूबॉर्न बेबीज के पास जाके मांगने लग गया, और जब ये पैदा हुई पाजी इसकी मम्मी ने इसके पापा की क्लास ले ली, कहती इधर आओ कान पकड़ दो इधर, कहते तुम क्या कर रहे शादी के बाद कुछ करना कुछ करना, ये काम कर रहा था तुमने, हो गए तुम दोनों पैदा। तुम्हें किए हैं तुम्हें पता होगा, मैंने किया ये मेरे सर पे मत डाल, तुम ही कर रहे हो इधर पैदा। कुछ है तुम्हारे लोगों का बोलने का? है एक लाइन बची हुई है। चल बुरी, क्या बात है, वाह अच्छे। हाँ जी इसकी मम्मी को नौकरी से निकाल दिया, फिर कहते बच्चों की डायपर चुराती हो, बाहर चले जाओ। 3 महीने की बाजी, 3 महीने की सजा इसकी मम्मी को नहीं की हुई थी, बताओ। चंदू तुम्हारे लिए सारे इन्वेस्टमेंट्स डील्स सब कैंसिल। मेरी बात तो सुनो बोरी। नहीं सुनो मेरी बात, सुनो कैंसिल। और मेरी बात कैंसिल। गई ना वो चुपचाप, मैं भी चुपचाप जा रहा हूँ, तुम क्यों बोल रहे बीच में? अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, चलो। ओके बाजी, ओके बाजी। पारी जैसे इन दोनों को अभी ये लग रहा था कि काश हमारी एंट्री जल्दी खत्म हो और हम निकले। निकले कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि कोई ऐसा शो आ गया हो कि आपने सोचा हो यार ये खत्म हो और निकले? बहुत बार हम लोग करनाल गए शो करने के लिए, और जैसे हम लोग शो में एंट्री करने वाले थे तो हमारे साथ लड़का था बॉबी, उसका भाई था हैप्पी, वो जैसे अंदर गया और फटाफट बाहर आया, बोलता कि पाजी ऐसो निकल लो। क्यों? बोला अंदर ना कुछ माहौल ठीक नहीं लग रहा है और बहुत ही कुछ अलग ही चल रहा है, तो जैसे मैं डेयरिंग में यार चलते देखते क्यों हो रहा है, चलते अंदर गए तो वाकई वो अनाउंसमेंट कर रहे थे कि भाइयों अब दिल्ली से ग्रुप आया है, आप सब तैयार रहना, जैसे आएंगे हम लोग दिल खोल के उनको जूते मारेंगे। वो थे भी सारे 6-6 फुट के, सब सफेद कुर्ते और धोती को चादरा बोलते सब ने पहनी हुई, कम से कम वो 300-400 लोग होंगे। अब हमने कहा अब बात हो गए, टेंट से बाहर इतना जा भी नहीं सकते। पर क्यों लेट हो गए थे, ऐसा कुछ हुआ था? ना नहीं, पहले मूड बना, ऐसे मूड बना, लेट कुछ नहीं। उनका दिल ही ऐसा था, बस मूड बना होगा तो। हाँ हमने स्टेज पे चले गए, गाना गाना शुरू हो गया, बस वही हुआ कि 1 घंटे बाद एक आया और उसने ऐसे सोडा पकड़ा था हाथ में और ऐसे हिलाना शुरू किया। पूरी जब झाग बनाई तो एक सोडा ऐसे पट से फेंका, तो वो जाके सीधा हमारे पैड वाले को लगा बड़ी जोर से। ओह गॉड। तो वो फिर संभल के बजा रहा था, फिर दूसरा भी शुरू हो गया ऐसे करके, तो मैंने कहा ये तो अब मुश्किल है। तो फिर बड़ा बड़ा उन्होंने पैर पुर जामने की जगह भागने शुरू की, 2-4 लोग भागे, तो फिर जो दूल्हा था वो दौड़ के मेरे पास आया और मेरे को गले लग के मेरे कान में बोलते पाजी आप प्लीज यहाँ से जाना मत, मुझे बचाना मुश्किल हो जाएगा, आप भागना मत, तो आप थोड़ी देर करते रहो ये सब माहौल अपने आप समझ जाएगा। तो मैंने पर ठीक है जी, फिर माहौल पर हम लोग गाते हैं। फिर सडनली क्या हुआ कि वो आपस में ही एक आदमी आया, उसने उसका दूसरे आदमी ने कुर्ता उठाया ऐसे उसके मुंह पे डाल दिया और उसको फिर मारना शुरू किया। थोड़ी देर में देखा कि वो अर्चना जी
150 बंदा आपस जी मुक्का चल रही है और हमको वो ना म्यूजिक बजता रहना चाहिए ताकि हम उनकी जो आवाजें वो पब्लिक को ना सुनाई दे जो हाय मर गया ये हो गया फिर उसके बाद फिर थोड़ा माहौल थोड़ी पुलिस वगैरह आई तो हम लोग वहाँ से बाहर जैसे मैं बाहर निकला मैं बस में बैठने लगा तो दो लोग आए बड़े प्यार से बोलते कि आप ना पंजाबी में बोल रहे थे कि थोड़ा थोड़ा भक्ति संगीत भी गाओ अब मैं थोड़ा बाहर आके थोड़ा लगा कि अब तो हम निकल चुके हैं मैं कहा गालांगे जरूर गावांगे बोलता हम आपको बोल रहे हैं आप जरा भक्ति संगीत भी गाया करो मैंने कहा यार गा लेंगे तो उसने ऐसे किया अपने शॉल कैसे किया सारे यहाँ पे ना ऐसे मतलब इधर भी गन वन लगी हुई है उसके और मैं तो थोड़ा देखा तो थोड़ा मैं घबरा गया मैं क्या पाजी मैं जानते ही रिकॉर्ड कराऊंगा दिलेर भाई वो वाला किस्सा सुनाओ रिचा जी ने सलीम भाई ने भी नहीं सुना वो जो गजल वाला प्रोग्राम हुआ था जो ये मैंने रात की बता रहा हूँ सुनो बड़ा मजेदार किस्सा बड़ा कमाल है वो तो जब मेरे बड़े भाई ने मेरा नाम दिलेर मेहंदी रखा मैं फिरेज मेहंदी साहब की गजलें बहुत बहुत सुनता था और गाता था उनके स्टाइल को उन्होंने मेरा नाम रख दिया दिलेर मेहंदी मैं बड़ा नाराज था यार पाजी असी सिख है गए तू दिलेर मेहंदी रखता लोग कहेंगे यार के सरदार हो के मुसलमान वाला नाम किदा है तो बोलते यार आर्टिस्ट ना हिंदू ना मुसलमान कुछ नहीं होता मेरा नाम दिलेर मेहंदी हो गया तो मैं गजलें गाता था हमारे कपूर साहब थे परिजय कपूर जी बोलते यार दिलेर एक शो है पार्टी बहुत सुनने वाली है और तू गजल गानी है मैं ठीक है भाई तो बोलते कि मैं चार आर्टिस्ट और बुक किए ने आर्टिस्ट थे रवि जी नाम उनका था गाते थे उनके भाई गिटार बजाते जी तू एक लड़का और था तो सबसे पहले रवि जी हमारे से बड़े थे उन्होंने गाना था तो हम लोगों ने कहा कि भाई सानू गा लो दो नहीं शुरुआत मैं करूँगा चलिए आप ही करिए हमारे बोलते बस पेशे खिदमत है झूम बराबर झूम बराबर गाना गायका वाली उसका नाहर में ऐसे एक शेर है तुमने ऐसे पहले मूड बनाया ना हरम में ऐसे अलाप जैसे कि आंख बंद करके सुर एक आवाज आई साउंड बड़ी जोर से थप्पड़ की आवाज है ढम करके तो वो माइक का जैसे ऐसे ऐसे हाथ मारा तो उसमें भी आवाज आ गई ठप हम थोड़े ऐसे देखे ये क्या हुआ तो मैंने साफ देखा कि इनको एक थप्पड़ मारा बड़ी जोर से उनका ना पूरा मुंह और घूम गया थप्पड़ खा के जिन्होंने ऐसे आंख खोली ना तो जिसने थप्पड़ मारा था ना वो बड़ा शरीफ बन के उसने 10,000 रुपया उनके बाजे पे रखा बोला वाह 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 क्या चला गया तो उनका जो भाई गिटार बजा रहा साथ में उसने देखा कि इनको थप्पड़ पड़ा है तो वो इधर मुंह करके हंसने जोर से हंसने लग गया हंस रहा है बहुत जोर से हंस रहा कि भाई को थप्पड़ पड़ा अपने खुद निकाली हुई उन्हें उसके बाद एक चांदी भाई वो भी गुजर गए वो गुरदास मान जी के गाने गाते थे तब उनकी बारी आ गई एक घंटे बाद अब वो जैसे ही बैठे हंस ले टप ले नच ले नी शेर किया ने उसमें शेर आता जो दो मुंह में तेरे दंद रहने किन्नू अड़िए हंस के विखावेंगी तो जैसे ने कहा जो दो मुंह विच ना दंद ऐसे किया तो एक आदमी सामने इतनी जल्दी आया उसने यहाँ पे पूरे दांत गाड़ दिए जोर से फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.